हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एयरफोर्स स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अगर एलिजिबल होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, तो एप्लीकेशन कर सकेंगे। एप्लीकेशन फी नहीं है, देर इज नो एप्लीकेशन फी। सैलरी कुछ थोड़े ही पोस्ट है, बट देखते हैं सैलरी मेंशन की हुई है, क्लैरिटी है कि क्या सैलरी रहेगी, क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, सब एडवर्टीजमेंट में अच्छी तरीके से क्लियर है। तो आपके यूज की कोई सब्जेक्ट है क्या, ये आगे चेक करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा लिखा है रेगुलर स्लैश पैनल वैकेंसी, तो रेगुलर भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, और कुछ पैनल वैकेंसी है तो उसके सामने में पैनल लिख दिया गया। मतलब टीजीटी सोशल स्टडीज रेगुलर हो सकता है, बिकॉज इसके सामने पैनल नहीं लिखा है। टीजीटी सोशल साइंस एक सब्जेक्ट है, एक पोस्ट है जिसके लिए वन वैकेंसी है। इसके बाद इसमें सैलरी मेंशन की गई है, जो कि सीटेट या स्टेट डिजायरेबल में, मैंडेटरी नहीं है। इसमें सैलरी 25,000 प्लस 13% डीए, अगर आप कैलकुलेट करेंगे 25,000 प्लस 13% डीए, मतलब 28,200 के अराउंड सैलरी बनेगी। दूसरे जो पोस्ट है वो है पीआरटी, ये पैनल वैकेंसी है, तो ये रेगुलर नहीं भी हो सकती है, पैनल में हो सकता है ये पीआरटी इसके लिए। और इसमें अच्छी बात ये कि 21 से लेके 50 ईयर्स तक के एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब अपर एज लिमिट बेटर है इसमें, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सैलरी 21,500 प्लस 13% डीए, ये दिया हुआ है किसके लिए, पीआरटी के लिए। फिर एनटीटी के लिए, ये भी पैनल वैकेंसी है, इसके लिए सभी के लिए एज लिमिट अच्छी है, 50 ईयर्स तक के एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 12,500 प्लस 13% डीए है, ये है एनटीटी के लिए, मीन्स प्री प्राइमरी टीचर। इसके बाद है हेल्पर के लिए 7,500 प्लस 13% डीए है। और इसके बाद पीजीटी हिस्ट्री वन वैकेंसी है, पीजीटी हिस्ट्री वन वैकेंसी, ये रेगुलर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी इसमें मेंशन किया हुआ है, और इसमें सैलरी 25,500 फिक्स सैलरी है, इसमें कोई डीए नहीं दी जा रही है। इसके बाद और क्या वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर पार्ट टाइम अपॉइंटमेंट, ये पार्ट टाइम स्पेशल एजुकेटर के लिए है, जिसकी सैलरी भी मेंशन की होनी चाहिए थी, पर यहाँ मेंशन नहीं की हुई है। और इसके बस इतनी वैकेंसी, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, वैकेंसीज इन एयरफोर्स स्कूल जामनगर से है, तो जामनगर के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्ट अस में देखेंगे जामनगर कहाँ पर है, एयरफोर्स स्कूल एयरफोर्स स्टेशन 1 गोवर्धनपुर जामनगर गुजरात स्टेट में है। तो गुजरात स्टेट में सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, बाकी अभी आपको कहाँ पर चेक करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जॉब सेक्शन में ये अपडेट किया हुआ है। आप जॉब सेक्शन में जा रहे हैं तो इसमें वैकेंसीज ओपन इन एयरफोर्स स्कूल जामनगर फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 दिया हुआ है, वैकेंसी ओपन इन ये दिया है, और फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन की फॉर्मेट यहाँ पर दी हुई है, तो ये फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लें। जो फर्स्ट वैकेंसी इसमें नजर आ रही है ये डाउनलोड कर, इसमें डेट सबसे एंड में लिखी हुई, कब तक आपका एप्लीकेशन पहुंचाना चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू फॉरवर्ड रिटर्न एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्मेट तो दी हुई है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपका अगर सब्जेक्ट है या आपके क्वालिफिकेशन से मैच करती हुई पोस्ट, यहाँ पे सीटेट या एस्टेट मैंने ज्यादातर देखा डिजायरेबल में था, मैंडेटरी नहीं था, तो मतलब बिना सीटेट एस्टेट के भी अप्लाई कर सकते कुछ पोस्ट के लिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू फॉरवर्ड रिटर्न एप्लीकेशन अलॉन्ग विद बायोडेटा, एप्लीकेशन फॉर्मेट स्कूल के वेबसाइट से ले लें, बायोडेटा आप अपनी खुद बना लें, एज पर स्पेसिफाइड फॉर्मेट अवेलेबल स्कूल वेबसाइट टू द प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल एयरफोर्स, ये एड्रेस दी हुई है, और इसमें बाई ईमेल बाई पोस्ट और इन पर्सन, तो आपको दे दिया गया है सुविधा इसमें है, ईमेल से भी कर सकते हैं। ईमेल आपको भेजनी नहीं आती है तो आप पोस्ट से भेज सकते हैं, या आसपास आपके स्कूल है तो पर्सनली भी जाके ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन 30 जुलाई 2022 तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन स्कूल वेबसाइट, 30 जुलाई तो लास्ट डेट ही है, लास्ट डेट के बाद आप बीच बीच में स्कूल वेबसाइट को चेक करते रहना पड़ेगा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि कब उस पर अपडेट आएगी, वो आपको रेगुलर बेसिस पर चेक करना होगा जब आप एप्लीकेशन करते हो। अपनी वैलिड ईमेल आईडी दे दें, हालांकि इन्होंने कहा नहीं है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करेंगे, वेबसाइट चेक करने को बोला है, फिर भी अपनी वैलिड ईमेल आईडी दे, कॉन्टैक्ट नंबर, सो दैट अगर इन्फॉर्म करना चाहें तो। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मेरे से यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लें, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें।